Everyone, welcome to India's largest learning platform, that is Byju's Exam Prep, the most comprehensive preparation app for all the examination. I'm Vaibhav Singhania, and I welcome you to the amazing session for the Bark Recap series, a complete revision of the hydrology. Today we are going to do that, right? Complete revision of the hydrology, right? We are going to see the important questions that can come for your upcoming examination in the Bark. So we will revise the hydrology today by questions. Questions ke through hum log revision karenge. So good evening everyone, very good evening everyone, very good evening. Share this session to all the friends. Har jagah session ko share kar do so that the maximum people can join. Jada se jada log aa paaye aur benefit le paaye. So let me introduce for myself for the new students. My name is Vaibhav Singhania. I've done my BTech from IIT Kanpur. Right? I have 4 years of teaching experience. Mentored many students in these 4 years. Theek hai? Best rank in the GATE examination is 49. Right? Subjects. Area of expertise is fluid mechanics, hydraulic machines, soil mechanics, SOM, OCF, steel hydrology along with engineering mechanics. So these are the areas of expertise that I teach all of you at the BARC exam. Right? BARC mein hum log ye series chal rahi hai aur Byju's exam prep mein I am going to teach these things to all of you. Right? For the Byju's exam prep. So the biggest session aap sabhi logo ke liye jis session ka aap logo ko besabri se intezar hoga. The conversion of the grade to the Byju's exam prep, the grade up to the Byju's exam prep. What are the important things? Why Byju's exam prep is your true guide? Why it is very different from the rest of the platform? We are going to come. Me and Abhinav Negi sir will be there for all of you on Thursday. So date ko mark kar lenge. Hum log milenge Thursday ko. Why this is the really right platform for all of you at 11:15 p.m. राइट रात को मिलेंगे 11:15 बजे ऑन थर्सडे. सो मार्क द डेट. मी एंड अभिनव सर विल बी कमिंग फॉर ऑल ऑफ यू टू टेल यू द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और आपके सेलेंट फीचर्स ऑफ द बायजूस एग्जाम प्रेप. मिलेंगे थर्सडे को 11:15 बजे. सो सेव द डेट एंड यू ऑल कैन फॉलो मी ऑन माई टेलीग्राम ग्रुप दैट इज सिविल बाय वैभव सर. आप सभी लोग मुझे इस टेलीग्राम ग्रुप पे फॉलो कर सकते हैं सिविल बाय वैभव सर. यू कैन जस्ट सर्च इट बाय द नेम. एंड चलिए बाबू. ओके गुड इवनिंग कुमार गुडूर. गुड इवनिंग वर्षा. गुड इवनिंग एवरीवन. वेरी गुड इवनिंग. सो द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द बार्क रिकैप सीरीज फ्रॉम द हाइड्रोलॉजी इज दिस. सबसे पहली बात सभी लोग सेशन को शेयर कर दो. एवरीवन माय फ्रेंड शेयर द सेशन. चलिए सेशन को शेयर कर देंगे. द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू इज दिस. ट्राई करेंगे क्वेश्चन को. गुड इवनिंग आशीष मौर्य जी. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. द मीन एनुअल रेनफॉल इज इन सेंटीमीटर एट 4 एग्जिस्टिंग रेन गेज स्टेशन इन अ बेसिन आर 75 सेंटीमीटर एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द 4 रेनफॉल. स्टैंडर्ड डेविएशन. देखो मैं जो सेशन लेता हूँ उसमें हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों रहता है. मोस्टली हम लोग की जो मीन्स ऑफ लैंग्वेज होती है वो हिंदी होती है. राइट. बट जनरली आई यूज टू कन्वर्ट इन इंग्लिश ऑल्सो. तो मैं जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देता हूँ. राइट. तो जिनको भी प्रॉब्लम है सर इंग्लिश समझ नहीं आ रही सर हिंदी समझ नहीं आ रही दोनों लोग ये सेशन देख सकते हैं. ठीक है. और मोस्टली अगर आप लोगों को प्योरली इंग्लिश चाहिए तो हमारा इंग्लिश चैनल भी है. यू कैन गो ऑन अवर इंग्लिश चैनल आल्सो. तो देखो आपको जो मीन रेनफॉल दे रखा है इट इज 75 सेंटीमीटर एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज मेजर्ड एट द 4 रेन गेज स्टेशन. स्टैंडर्ड डेविएशन वो कितना दे रखा है बेटा. स्टैंडर्ड डेविएशन इज 15 सेंटीमीटर. सो यू कैन कैलकुलेट योर कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन. आप कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट कर सकते हो इन परसेंटेज भी. वो क्या होता है. इट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन पर यूनिट मीन रेनफॉल मल्टीप्लाइड बाय 100. तो कैलकुलेट कर लो कितना हो जाएगा बेटा 15/75 मल्टीप्लाइड बाय 100. ये हो जाएगा. क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी. 15 5 आ जाएगा ना. 15 5 टाइम्स और ये 20 जाएगा. सो इट विल कम आउट टू बी 20%. परसेंटेज में कन्वर्ट करना था इसलिए मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया. आप सभी लोगों को पता है. क्या पता है. द नंबर ऑफ द रेन गेज रिक्वायर्ड इज कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन डिवाइडेड बाय. क्या मैं बोल रहा हूँ बेटा. कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन डिवाइडेड बाय द एरर अलाउड. द एरर अलाउड का स्क्वायर. ये स्क्वायर को नहीं भूलेंगे. कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन डिवाइड बाय अलाउबल एरर का स्क्वायर. कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन इज 20%. अलाउबल एरर इज 10% गिवन इन द क्वेश्चन स्क्वायर. तो आंसर विल बी 4. कितना हो जाएगा बेटा. 4 आ जाएगा आंसर. इट मीन्स दैट फॉर द गिवन अलाउएबल एरर. जो ये एरर आपको गिवन है उसके लिए आपको 4 रेन गेजेस चाहिए. क्या चाहिए बेटा. 4 रेन गेजेस. गिवन कितना है बेटा.
आप लो चार रेन गेजेस गिवन, तो चार चाहिए, चार गिवन है। एडिशनल नंबर ऑफ रेन गेजेस नीडेड आर एक्चुअली जीरो, नो एडिशनल नंबर ऑफ रेन गेजेस रिक्वायर्ड। समझ में आ गई बात? एवरी वन थम्स अप कहाँ है? वेयर इज द थम्स अप? एवरी वन वेयर इज द थम्स अप? कहाँ है थम्स अप? शेयर कर दिया सब लोगों ने सेशन को, सेशन को सब लोगों ने शेयर कर दिया। हैज एवरीवन शेयर द सेशन? वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। दिस इज क्वेश्चन ऑफ द एडिक्वेसी ऑफ द रेन गेज, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। हाउ डू वी फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड हाउ डू वी फाइंड आउट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ द रेन गेजेस? तो ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मुला है, आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। देयर इज अ थम्स अप, समझ में आ गया? तो थम्स अप कहाँ है? एट मुंबई अ रेनफॉल ऑफ 20 सेंटीमीटर इन 5 आवर्स अकर्स वंस इन 100 ईयर्स। मतलब 100 साल में एक बार रेनफॉल होती है, 100 साल में एक बार। तो एक साल में कितने बार होगी सर? एक साल में 1/100 टाइम। तो एक साल में क्या चांसेस हैं उसके होने के? इट इज 1/100, क्योंकि 100 साल में वो एक बार होती है, तो एक साल में कितनी चांसेस उसके अकर होने के? इट इज 1/100। दैट इज नथिंग बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ द रेनफॉल। दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस। रिटर्न पीरियड इज डिफाइंड अपॉन एज 100 ईयर्स एंड द प्रोबेबिलिटी इज डिफाइंड एज 1/ रिटर्न पीरियड। राइट, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्हाट विल बी इट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस इन द नेक्स्ट ईयर? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस इज एक साल में कितने चांसेस हैं उसके होने के? इट इज 1/100। तो आंसर विल बी 0.01, ए विल बी द आंसर। समझ में आ गई क्या बात? एवरी वन गॉट दिस? इन 1 ईयर इट्स चांसेस ऑफ अकरेंस इज 1/100। थम्स अप, जल्दी से बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू दिस। अ 6 आवर रेनफॉल ऑफ 6 सेंटीमीटर हैज अ रिटर्न पीरियड इक्वल्स टू टी। व्हाट विल बी इट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस एट लीस्ट वंस इन 10 ईयर्स? एट लीस्ट एक बार, कम से कम एक बार हो जाए। कम से कम दो बार भी हो सकती है, 3 बार भी हो सकती है, 4 बार भी हो सकती है, पूरे 10 साल हो सकती है। लेकिन ये बोल रहा है कम से कम एक बार तो होनी चाहिए, एट लीस्ट वंस इन अ 10 ईयर। क्या होगा आंसर? आई विल सब्ट्रैक्ट द केस पूरे 10 साल में आई वॉन्ट टू गेट द प्रोबेबिलिटी दैट इट अकर्स एट लीस्ट वंस। तो आई विल सब्ट्रैक्ट द केस फ्रॉम द टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1, उससे मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा कि पूरे 10 साल ये रेनफॉल नहीं हो रही है, पूरे 10 साल दैट पर्टिकुलर रेनफॉल इज नॉट हैपनिंग। राइट, देयर इज अ केस कि इन द एंटायर 10 ईयर्स, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स ईयर, सेवेंथ ईयर, चलो तबीयत खराब है, बारिश हो रही है घर पे, कोई बात नहीं बेटा, बाद में रिकॉर्डेड देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो इन द एंटायर ईयर लेट अस सपोज दैट पर्टिकुलर रेनफॉल ऑफ दैट रिटर्न पीरियड इज नॉट हैपनिंग। यहां पे भी नहीं हुई, पी बार इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग। यहां पे भी नहीं हुई, 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 यहां पूरे 10 साल में नहीं हुई। दिस इज वन ऑफ द केस। इफ आई सब्ट्रैक्ट दिस केस टू द टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी, इफ आई सब्ट्रैक्ट दिस केस टू टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी, व्हाट विल बी इट? इट इज एक्चुअली इट अकर्स एट लीस्ट वंस। हाँ, इसी को रिस्क बोलते हैं। करेक्ट राजीव जी, इसी चीज को रिस्क बोलते हैं। व्हाट इज द रिस्क ऑफ दैट पर्टिकुलर रेनफॉल? इज दिस 1/ पूरे साल में नहीं होना। तो इट इज 1 माइनस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी बार? पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? इट इज 1/t। पी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/ रिटर्न पीरियड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस? 1/ रिटर्न पीरियड, राइट? सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरेंस? इट इज 1 माइनस 1/t। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस इज 1 माइनस 1/t। तो p बार की वैल्यू डाल देंगे 1 माइनस 1/t रेज टू पावर 10। तो दिस विल बी योर गिवन आंसर, द प्रोबेबिलिटी फॉर द गिवन क्वेश्चन यही हो जाएगी आप। समझ में आ गई क्या बात? एवरीवन 1 माइनस 1 माइनस t रेज टू पावर 10, तो आंसर विल बी सी। मजा आ गया है, फटाफट रेज द थम्स अप। मजा आ गया है, फटाफट रेज द थम्स अप। सेशन को लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे, शेयर नहीं किया सभी लोग शेयर कर देंगे, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देंगे फॉर द फ्यूचर अपडेट्स। और मजा आ गया है तो थम्स अप बना देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। व्हिच इज द बेस्ट सुटेबल मेथड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मीन प्रेसिपिटेशन ओवर द एंटायर कैचमेंट? व्हिच इज द बेस्ट सुटेबल मेथड? क्या है बेटा बेस्ट सुटेबल मेथड बता दो? फॉर कैलकुलेशन ऑफ द एवरेज प्रेसिपिटेशन, मीन प्रेसिपिटेशन,
मीन प्रेसिपिटेशन के लिए द मोस्ट एक्यूरेट मेथड इज कंसिडर्ड टू बी आइसोहीथल मेथड। अच्छा, अगर आप लोगों को प्लेन एरिया के लिए बोला जाए, व्हाट इज द बेस्ट मेथड सूटेड फॉर द प्लेन एरिया, प्लेन कैचमेंट। प्लेन कैचमेंट मतलब टोपोग्राफिकल चेंजेस नहीं है, टोपोग्राफिकल वेरिएशन नहीं है। व्हाट इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्लेन एरिया? इट इज एक्चुअली थीजन पॉलीगॉन मेथड, पॉलीगॉन मेथड फॉर द प्लेन कैचमेंट, प्लेन कैचमेंट। दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड। ये दो वैल्यूज आप लोगों को पता होनी चाहिए, ये दो वैल्यूज आप लोगों को पता होनी चाहिए। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टैंडर्ड नॉन रिकॉर्डिंग टाइप ऑफ द रेन गेज यूज इन इंडिया, बताइए। नॉन रिकॉर्डिंग टाइप, नॉन रिकॉर्डिंग टाइप मीन्स विच कैन नॉट गिव यू द रेनफॉल मैग्नीट्यूड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ जो रेनफॉल का वेरिएशन आपको नहीं दे सकता, दैट इज द नॉन रिकॉर्डिंग टाइप ऑफ रेन गेज, टाइम के साथ। कौन सा बेटा? स्टैंडर्ड। देखो, ये रिकॉर्डिंग टाइप है, नेचुरल साइफन टाइप इज अ रिकॉर्डिंग टाइप, इट विल गिव यू मास कर्व, ये आपको मास कर्व देता है। इट इज अ टिपिंग बकेट, इट इज अगेन अ रिकॉर्डिंग टाइप, इट गिव्स यू इंटेंसिटी, ठीक है। सो द स्टैंडर्ड नॉन रिकॉर्डिंग टाइप इज अ साइमंस रेन गेज, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट डेटा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज पैन कोफिशियंट ऑफ अ स्टैंडर्ड ISI पैन इज, ISIS नहीं है, ISI, ISIS नहीं, ISI, ISI पैन, स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन का जो पैन है उसका पैन कोफिशियंट कितना लेते हैं बेटा? क्या लेते हैं हम लोग? लेक इवेपोरेशन, लेक इवेपोरेशन इज इक्वल्स टू पैन कोफिशियंट मल्टीप्लाइड बाय पैन इवेपोरेशन। If you have given the pan evaporation from the experiment to calculate the lake evaporation, we multiplied it with the pan coefficient CP. और ये standard pan के लिए इंडिया वाला 0.8, USA वाला 0.7, ये दो value याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। क्लास ए पैन US वेदर ब्यूरो का है, ये क्लास ए पैन जिसकी value 0.7 है। ISI वाला पैन, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन वाला पैन, ठीक है, जिसकी वैल्यू 0.8 है, याद रखिए। टू कैलकुलेट द लेक इवेपोरेशन फ्रॉम द पैन इवेपोरेशन, ये पैन इस तरह का रहेगा आप लोगों को, ठीक है। अरे बेटा, अपना अपना स्टैंडर्ड है, ठीक है। पैन एक्चुअली अलग अलग होते हैं, ये पैन एक्चुअली एक जैसे नहीं होते, ठीक है। इन पैन का पूरा प्रोसीजर है, मेथड है, वो अलग होता है, तो किसी में कुछ एक्यूरेसी मिलती होगी, किसी में कुछ एक्यूरेसी मिलती होगी। जब आप लोग देखोगे तो इस पैन का जो कंस्ट्रक्शन है, इस पैन का जो पूरा प्रोसीजर है, ये सेम पैन नहीं होता। ऐसा नहीं कि एक पतीला जाके रख दिया वहां पे, ऐसा नहीं होता, हर चीज में अलग अलग होता है। व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ इवेपोरेशन फ्रॉम द लेक ऑफ अ 10 किलोमीटर स्ट्रेच एंड विड्थ इज 20 मीटर इन 10 डेज। एक आपके पास लेक ऐसे दे रखी है जिसके पास 10 किलोमीटर का स्ट्रेच है और 20 मीटर का विड्थ है, और 10 दिन में इससे कितना इवेपोरेशन हो जाएगा बोल रहा है। आपका US वेदर ब्यूरो का जो पैन है उसका इवेपोरेशन 0.8 सेंटीमीटर पर डे है, तो इसका लेक इवेपोरेशन कितना हो जाएगा बेटा? लेक इवेपोरेशन is equals to 0.7 times of 0.8, which is actually 0.5687 56, ठीक है, सेंटीमीटर पर डे। दिस इज योर लेक इवेपोरेशन। अब यहां से इसका एरिया से मल्टीप्लाई कर दो टू गेट द टोटल वॉल्यूम। एरिया कितना है बेटा? टोटल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू इज 10 इंटू 10 पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई 0.56। कैलकुलेट करो, आंसर दे दो फटाक से, कितना हो जाएगा? कितना आंसर आ जाएगा? 11.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 4 ऑफ मीटर क्यूब, यही तो आ जाएगा, ठीक है। तो 112000 आंसर क्या आ जाएगा? 112000 112000 विल बी द आंसर। सी हो जाएगा क्या आंसर? सी हो जाएगा क्या आंसर? 112000।
ठीक है, देखो गलती कर दी आप लोगों ने, वर्षा प्रसाद, ये गलतियां नहीं होनी चाहिए एग्जामिनेशन में, कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए। यू कैन नॉट अफोर्ड टू डू कैलकुलेशन मिस्टेक्स ऑफ द इजी क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स आर यूज्ड इन इनहिबिटिंग इनहिबिटिंग द इवेपोरेशन, इवेपोरेशन को इनहिबिट करने के लिए इनमें से क्या यूज होता है? सिटाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल, स्टेराइल एंड इथाइल, क्या यूज होता है? द टू वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल्स जो आप लोग आज के बाद से नहीं भूलेंगे, विच इज यूज टू प्रिवेंट द इवेपोरेशन, इवेपोरेशन को कम करने के लिए यूज होता है, इट इज सिटाइल अल्कोहल एंड द स्टेराइल अल्कोहल। आंसर क्या हो जाएगा? सी, इट एक्ट्स एज अ केमिकल फिल्म, ये फिल्म की तरह से एक्ट करता है। यदि आपने किसी भी फ्री सरफेस पे, ये वाटर की सरफेस है, यहाँ पे आप लोगों ने वो केमिकल को छोड़ दिया, तो इट एक्ट्स एज अ फिल्म एंड इट ब्रेक्स द कॉन्टैक्ट, ये कॉन्टैक्ट को ब्रेक कर देता है आपका फ्री सरफेस का, जो वाटर की सरफेस है, विद द एटमोसफेयर, एटमोसफेयर से ये जो फिल्म है वो कॉन्टैक्ट ब्रेक कर देता है। इफ इट ब्रेक्स द कॉन्टैक्ट, ये जो लिक्विड पार्टिकल है जो एटमोसफेयर में चले जाते थे, अब वो नहीं जा पाते एटमोसफेयर में, इट डजंट गो टू द एटमोसफेयर, यही इसका काम होता है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। अ फ्लड हाइड्रोग्राफ ड्यू टू एन आइसोलेटेड, ये देखो चाय पीने से कोई नुकसान होता है मेमोरी पावर पे, यहाँ हाइड्रोग्राफ चल रहा है भाई, कुछ चाय पीनी पड़ी। फ्लड हाइड्रोग्राफ ड्यू टू एन आइसोलेटेड स्टॉर्म कंसिस्ट ऑफ, देखो फ्लड हाइड्रोग्राफ कंसिस्ट ऑफ टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ प्लस द अंडरग्राउंड प्रेसिपिटेशन, जो पानी नीचे चला जाता है, ठीक है, द अंडरग्राउंड फ्लो, जिसको हम लोग बेस फ्लो भी बोल सकते हैं, बेस फ्लो, ठीक है, इसको हम लोग बेस फ्लो बोल सकते हैं। अभी जो बेस फ्लो होता है ना, और ये डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ जो होता है, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ में दो चीजें, एक चीज और मिल जाती है, दो चीजें होती है, इट इज द सरफेस रन ऑफ प्लस प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो, प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो। डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ में दो चीजें होती है, हमेशा ध्यान रखना, इट इज द सरफेस रन ऑफ जो आपके सरफेस से कंट्रीब्यूट करता है आउटलेट पे, प्लस प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो। और बेस फ्लो में दो चीजें होती हैं, याद रखना, ठीक है, जो बिलो ग्राउंड होता है, जो पानी नीचे से अंडरग्राउंड प्रेसिपिटेशन से आपको कंट्रीब्यूट करता है, उसमें डिलेड इंटरफ्लो प्लस आपका बेस फ्लो, ये दो चीजें होती हैं। तो क्या क्या चीजें होती है फ्लड हाइड्रोग्राफ में? सरफेस रन ऑफ, प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो, डिलेड इंटरफ्लो और बेस फ्लो। और यही दोनों चीजों को मिला के, यही दोनों चीजों को मिला के मैं इंटरफ्लो बोलता हूँ, इसी दोनों चीजों को मैं ऐड करके क्या बोलता हूँ बेटा? इंटरफ्लो। क्या बोलता हूँ? इंटरफ्लो। तो फाइनली योर फ्लड हाइड्रोग्राफ विल गिव यू सरफेस रन ऑफ, इंटरफ्लो प्लस बेस फ्लो, ठीक है। देखो सरफेस रन ऑफ, इंटरफ्लो प्लस बेस फ्लो, इट विल गिव यू सरफेस रन ऑफ, इंटरफ्लो प्लस बेस फ्लो, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। लेट द इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ द सॉइल इज डिनोटेड बाय एफ सी एंड द एक्चुअल इन्फिल्ट्रेशन इज डिनोटेड बाय एफ, द इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल इज आई, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, क्या सही है? समझ में आ गया है तो फटाफट थम्सअप बना देंगे एवरीवन, थम्सअप में कंजूसी नहीं करेंगे, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है तो थम्सअप बनाते चलेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। चलिए लेट द इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी, इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी क्या होती है? देखो इफ देयर इज अ ग्राउंड, सपोज यहां पे कोई ग्राउंड है, ठीक है, यहां से रेनफॉल हुई, रेनफॉल इज हैविंग एन इंटेंसिटी ऑफ आई, रेनफॉल इज हैविंग एन डेंसिटी ऑफ आई, नाउ द मैक्सिमम कैपेसिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी थ्रू विच द वॉटर कैन गो इन साइड द ग्राउंड, मैक्सिमम कैपेसिटी इज कॉल्ड एज इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। बट जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है दैट ऑलवेज वॉटर गोज विद दिस मैक्सिमम कैपेसिटी, द ट्रू इन्फिल्ट्रेशन, द इन्फिल्ट्रेशन विच इज हैपनिंग इज कॉल्ड एज एफ, राइट। तो जनरली क्या होता है, इफ योर इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल इज ग्रेटर देन इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी, ये दो बातें ध्यान रखेंगे बेटा,
इफ द इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल इज ग्रेटर देन इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। कहने का मतलब ये है कि ग्राउंड को पानी को लेने की हिम्मत द मैक्सिमम औकात बोल सकते हो, लेट अस सपोज इट इज 2 mm per hour, 2 mm per hour, पानी बरस गया 3 mm per hour का, 3 mm per hour का पानी बरस गया, तो जितनी उसकी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी को से वो पानी को ले लेगा, जितनी भी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी से पानी को ले लेगा। सो द ट्रू इनफिल्ट्रेशन बेटा, ट्रू इनफिल्ट्रेशन इज इक्वल टू योर इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। व्हेन इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल इज ग्रेटर देन द इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, योर रियल इनफिल्ट्रेशन इज इक्वल टू इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, एफ सी के बराबर। बट लेट अस सपोज जो रेनफॉल हुई है वो आपकी 3 mm per hour नहीं होके वो लेट अस सपोज हुई है 1 mm per hour। सेकेंड केस, व्हेन आई इज लेस देन द इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, तो जो ट्रू इनफिल्ट्रेशन है ऑल्दो ग्राउंड की जो औकात है पानी को लेने की वो कितनी है 2 mm per hour मैक्सिमम कैपेसिटी जिससे वो पानी को ले सकता है वो क्या है बेटा 2 mm per hour, और बारिश कितनी हो रही है 1 mm per hour, तो 2 से थोड़ी एक्सेप्ट करेगा वो। नाउ इन द सेकेंड केस F will be equals to 1 mm per hour, which is equals to I. So when I is less than FC, जो आपका true infiltration होगा, it is actually equals to I. ये I के बराबर हो जाए। तो यही दो बातों को ध्यान रखेंगे हमेशा। और इसी से एक सवाल बन गया है, सवाल को लिख देंगे। C, when I is greater than FC, F is actually equals to FC. तो ये तो गलत हो गए। When I is less than FC, I is less than FC. F is equals to I, F is equals to I, और I is less than FC, तो F is actually less than FC होगा ना? F किसके बराबर होगा बेटा सेकंड केस में? F बराबर होगा I के, और I क्या है? FC से छोटा है, तो F भी I से छोटा होगा, F भी FC से छोटा होगा कि नहीं होगा? अरे बेटा I FC से छोटा है, तो F भी FC से छोटा होगा, तो ये एकदम सही बोल रहा है, this is 100% correct। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, I is greater than FC, infiltration is greater than FC. F की वैल्यू किसके बराबर होगी? FC के बराबर होगी, तो F की वैल्यू तो I के बराबर बोल रहा है, गलत। I is less than FC, I FC से छोटा है, तो F की वैल्यू किसके बराबर होगी? I के बराबर, F की वैल्यू FC के बराबर बोल रहा है, गलत। तो आंसर क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। मजा आ गया है तो थम्स अप बना दो, मजा आ गया है तो थम्स अप बना दो फटाफट एवरीवन। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर डालो, अ चैलेंजिंग क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। अ 6 hour रेनस्टॉर्म विथ एन आवरली इंटेंसिटीज ऑफ 7, 18, 25, 17, 11, 3 mm per hour प्रोड्यूस्ड अ रन ऑफ ऑफ 39 mm। कितना रन ऑफ प्रोड्यूस करता है बेटा? 39 mm का। Five indexes, very beautiful question, and it is a challenging question. Let me guess who gives the correct answer. Phi is defined as total rainfall minus runoff divided by time of rainfall excess. Very important. This is the real definition of the phi index. ये बात ध्यान रखना। Rainfall excess का मतलब, rainfall excess का मतलब, बेटा rainfall excess का क्या मतलब होता है? जब आप लोग phi index define करते हो तो ध्यान देना, जो denominator में time होता है, वो time of rainfall excess होता है। Rainfall excess मतलब your intensity is greater than the infiltration. Intensity of the rainfall it should be greater than the infiltration. तो let us assume in the first iteration, पहले iteration में कि ऑल द इंटेंसिटीज टाइम पीरियड, जो सारे टाइम है बेटा, सारे टाइम, ये भी ये भी ये भी, सारा रेनफॉल इज ग्रेटर देन फाइव इंडेक्स। लेट अस अज्यूम टी इज इक्वल टू 6 hours, ऑल द टाइम पीरियड इज अ टाइम पीरियड ऑफ रेनफॉल एक्सेस। तो कैसे निकालते हैं फाइव? देखो फाइव में निकालूंगा टोटल रेनफॉल, एड कर दो सबको, 18 + 7 = 25, 25 + 25 = 50, 67, 78, 81, इट इज 81 माइनस, क्या हो जाएगा 81 माइनस रन ऑफ कितना बेटा 39 डिवाइडेड बाय 6 hour ड्यूरेशन 6, गेट द वैल्यू एवरीवन, व्हाट इज दिस वैल्यू? 81 माइनस 39 बाय 6 इट इज 7 mm per hour।
here phi comes out to be 7 mm per hour. What was my assumption? Mera assumption kya tha beta? Mera assumption ye tha ki all the time period that is 6 hour is a period of rainfall excess. Kya ye rainfall excess ka period hai 6 ghanta? Dekhna nahi hai. पहले घंटे में 7 mm की बारिश हुई एंड आई एम कैलकुलेटिंग द इन्फिल्ट्रेशन इंडेक्स एज 7 mm. सो ऑल द वाटर गोज डाउन टू द ग्राउंड सो इट इज नॉट अ पीरियड ऑफ रेनफॉल एक्सेस. पूरा का पूरा पानी जितना बरसात हुई सब जमीन में चला गया एज पर अवर फाइ इंडेक्स. सो इट इज नॉट अ पीरियड ऑफ रेनफॉल एक्सेस. पहली बात ये वाला पीरियड देखो 3 mm पर आवर की बारिश हुई एंड आई एम एज्यूमिंग द फाइ इंडेक्स टू बी 7 mm पर आवर. हाउ कैन इट बी पॉसिबल 3 mm की बारिश में 7 mm का इन्फिल्ट्रेशन कैसे हो सकता है? तो इट इज ऑल्सो नॉट अ पीरियड ऑफ रेनफॉल एक्सेस. ये भी नहीं है, ये भी नहीं है. सो आई एम गोइंग टू इग्नोर इट इन द कैलकुलेशन. कैलकुलेशन में ये दो पीरियड को मुझे हटाना पड़ेगा, तो हटा दो ये दो पीरियड को. हटा दो, क्या करोगे? इन दो पीरियड को हटा दोगे तो टोटल रेनफॉल चेंज हो जाएगी. योर टोटल रेनफॉल विल बी नाउ 18 प्लस 25 प्लस 17 प्लस 11. तो ये कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 18, 18, 36 और 10, 46, 46 और 25, 46 और 25, 71, 71 mm will be now the total rainfall, क्योंकि हमने 10 mm उड़ा दिया, 10 mm को घटा दिया, minus runoff is 39 mm, runoff will be remain same divided by period, ये दो घंटा हमने हटा दिया, उड़ा दिया, not in the calculation, divide by 4, total period 6 hours, minus 2 hours. So our rainfall excess period, let us suppose it is 4 hours. Now calculate this value. Kitna ho jayega ye? It is 71 minus this by 4, 8 mm per hour. Now again you need to check. Beta, fir se check karna padega aap logo ko. Our phi index, it should be less than I. Our phi index, it should be less than I. Ab dekho I kya kya hai? I 18 hai, 25 hai, 17 है और 11 है. आई क्या क्या है? 18, 25, 17 और 11. These are actually I's. And phi comes out to be 8. It is 100% true. It is 100% true. It means that 4 hour we have calculated, we have assumed 4 hour of rainfall excess, which is actually true. ये true है हमारा. This is actually true. So this is your final phi index. ये आपका final phi index होगा. तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चन में 90% ऑफ द स्टूडेंट्स कमिट्स अ मिस्टेक एंड कैलकुलेट बी एज द आंसर. मजा आ गया है, एक एक बच्चा 10-10 थम्स अप बनाएगा. फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? सी. ठीक है, डन डना डन डन. चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व सॉल्व दिस क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर इनकरेक्टली मैच्ड. इनमें से कौन से पेयर्स इनकरेक्टली मैच्ड हैं? एनीमोमीटर इज यूज फॉर मेजर विंड स्पीड. करेक्ट है ये, सही मैच है ये. हाइग्रोमीटर इज यूज फॉर मेजर ऑफ ह्यूमिडिटी. करेक्ट है. टिपिंग बकेट इज यूज फॉर मेजर ऑफ रेनफॉल इंटेंसिटी. ये भी करेक्ट है. लिजीमीटर इज यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ इवैपो ट्रांसपीरेशन. लिजीमीटर का क्या काम होता है बेटा? इवैपो ट्रांसपीरेशन को मेजर करना. इवैपो ट्रांसपीरेशन, इवैपोरेशन प्लस ट्रांसपीरेशन. ये तो रेनफॉल इंटेंसिटी बोल रहा है तो गलत है. ठीक है, तो इनकरेक्टली मैच कौन सा है बेटा? इनकरेक्टली मैच तो यही वाला. दिस इज एक्चुअली इनकरेक्टली मैच. देखो ये सारे फिगर्स ऐसे कुछ दिखते हैं. ठीक है, यहाँ पे आपका ये लिजीमीटर ऐसा कुछ होता है. दिस इज योर लिजीमीटर. एनीमोमीटर ऐसा कुछ होता है. वो परमाणु मूवी देखी होगी ना, परमाणु मूवी, उसमें ऐसे छत के ऊपर टंगा रहता है ऐसे करके, हवा जिधर आती उधर घूमने लग जाता है. ठीक है, तो इट इज मेजर फॉर विंड स्पीड एंड दिस इज एक्चुअली मेजरिंग द वेपर प्रेशर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एंड थ्रू द वेपर प्रेशर इज मेजर द ह्यूमिडिटी. चलो इस क्वेश्चन को देखो. द पीक ऑफ अ फोर आवर
flood hydrograph is 200 meter cube per second. If the rainfall excess is 80 mm, rainfall excess क्या बोल रहा है बेटा? 80 mm. And the base flow which is constant to be 40 meter cube per second, then the peak of 4 hours unit hydrograph is. What is the peak? Peak क्या होगा? Gate examination बेटा. Ashish ji is asking sir, gate versus bar which is tough? Gate examination. बार का पेपर एज कंपेयर टू गेट एग्जामिनेशन इजी आता है. ठीक है, एज कंपेयर टू गेट एग्जामिनेशन बार का पेपर इजी है. द पीक ऑफ अ 4 आवर फ्लड हाइड्रोग्राफ इज 200 मीटर क्यूब पर सेकंड. इफ द रेनफॉल एक्सेस इज 80 एमएम एंड द बेस फ्लो इज कांस्टेंट टू बी इज कांस्टेंट एंड द बेस फ्लो व्हिच इज कांस्टेंट एंड इट इज 40 मीटर क्यूब पर सेकंड. व्हाट इज द पीक ऑफ द हाइड्रोग्राफ? आपको हाइड्रोग्राफ का पीक बोल रहा है, कैसे निकालोगे? देखो ध्यान रखना, योर डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ इज ऑब्टेन्ड बाय फ्लड हाइड्रोग्राफ माइनस बेस फ्लो. सो पीक ऑफ द डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ इज द पीक ऑफ द फ्लड हाइड्रोग्राफ माइनस बेस फ्लो. तो पीक ऑफ द फ्लड हाइड्रोग्राफ कितना है बेटा? 200. बेस फ्लो कितना है बेटा? 40. तो देखना 160 मीटर क्यूब पर सेकेंड इज द पीक ऑफ द डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ. Direct run of hydrograph is the peak. Now it is asking the peak of a 4-hour unit hydrograph. 4-hour unit hydrograph. See, the rainfall excess is 8 cm. For 8 cm, the peak runoff is 160. Unit hydrograph means I need to get the peak runoff for 1 cm. So 1 cm ke liye kitna ho jayega? 160 by 8. That is actually equals to 20 मीटर क्यूब पर सेकंड. ठीक है, 20 मीटर क्यूब पर सेकंड होगा. फ्लड हाइड्रोग्राफ का आपको दे रखा है बेटा 200. 200 इज द वैल्यू फॉर द फ्लड हाइड्रोग्राफ. 200 किसकी वैल्यू है? फ्लड हाइड्रोग्राफ के लिए वैल्यू. ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा? इट इज 200 माइनस 40 बाय 8. आंसर विल बी ए. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें. द शेप ऑफ अ रिसेशन लिंब of a hydrograph depends upon. Shape of the recession limb किस पे depend करेगा? Shape of the recession limb बेटा किस पे depend करेगा? हमेशा ध्यान रखना, for a particular hydrograph up to this point, this is called as rising limb. Up to this point, this is called as recession limb. This segment is called as crest segment. Crest segment. ठीक है, these are actually the point of inflections. ये points of inflections हैं hydrograph के. The rising limb depends upon the rainfall as well as catchment characteristics. Rising limb किस पे depend करता है बेटा? रेनफॉल प्लस कैचमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पे. और रिसेशन लिम्ब सिर्फ और सिर्फ कैचमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करता है. ठीक है, कैचमेंट मतलब बेसिन कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं. सो द रिसेशन लिम्ब ऑफ अ हाइड्रोग्राफ डिपेंड्स अपॉन ओनली ऑन द बेसिन कैरेक्टरिस्टिक्स. इट ओनली ऑन द बेसिन कैरेक्टरिस्टिक्स, दिस इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, अगर आपको राइजिंग लिम्ब की बात बोलता तो इट डिपेंड्स अपॉन द बोथ स्टॉर्म एज वेल एज बेसिन कैरेक्टरिस्टिक्स. चलो याद रखना इन बातों को. इस क्वेश्चन को सॉल्व करो. द 6-आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ अ कैचमेंट ऑफ एन एरिया 180 किलोमीटर स्क्वायर इज ट्रायंगुलर इन शेप. ट्रायंगुलर शेप में if the peak coordinate of this hydrograph is 10 meter cube per second, then the time base of s. Dekh, ek unit hydrograph hai bol raha hai, that is 1 centimeter of a rainfall, 1 centimeter of an excess rainfall. It is having a triangular shape hydrograph. Triangular shape ka bol raha hai na, to aisa kuch triangular shape hai. Base period is given in the question. बेस पीरियड निकालना है क्या हमें? टाइम बेस हमें निकालना है. पीक वैल्यू इज गिवन. पीक वैल्यू
इज गिवन एज 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड. ठीक है, टेल मी एवरीवन व्हाट इज द एरिया ऑफ अ हाइड्रोग्राफ रिप्रेजेंट. व्हाट इज द एरिया ऑफ अ हाइड्रोग्राफ रिप्रेजेंट. एरिया ऑफ अ हाइड्रोग्राफ रिप्रेजेंट्स द टोटल वॉल्यूम ऑफ द रेनफॉल दैट हैज फॉल्ड ऑन अ पर्टिकुलर कैचमेंट. कैसे बोल सकते हैं सर, जितना भी कैचमेंट है उसमें अगर 1 सेंटीमीटर का रेनफॉल एक्सेस है, 1 सेंटीमीटर का रेनफॉल एक्सेस है, रेनफॉल एक्सेस की बात कर रहा हूं. सो एरिया ऑफ द कैचमेंट इज दिस, डेप्थ ऑफ द रेनफॉल इज दिस, सो द वॉल्यूम ऑफ द रेनफॉल इज एरिया इंटू 1/100 इन मीटर्स. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द रेनफॉल. सो एरिया ऑफ द, दिस इज डिस्चार्ज वर्सेस टाइम ना. एरिया ऑफ द हाइड्रोग्राफ रिप्रेजेंट द टोटल वॉल्यूम ऑफ द रेनफॉल एक्सेस. ध्यान रखना, क्योंकि अगर स्मॉल एलिमेंटल एरिया आप लोग बोलोगे तो इट इज नथिंग बट क्यू इंटू डी टी विच इज यूनिट ऑफ द वॉल्यूम, और इसको थ्रू आउट इंटीग्रेट कर दोगे तो टोटल वॉल्यूम देगा वो आप लोगों को. तो देखो यहां से, टोटल वॉल्यूम ऑफ द रेनफॉल इज द कैचमेंट एरिया विच इज 180 इंटू 10^6 मीटर स्क्वायर. यूनिट हाइड्रोग्राफ मतलब 1 सेंटीमीटर ऑफ द एक्सेस रेनफॉल, तो 1/100 मीटर ऑफ द रेनफॉल. इट इज एक्चुअली इक्वल्स टू हाफ इंटू टाइम बेस विच इज टीबी, बेस पीरियड बता टीबी मल्टीप्लाइड बाय हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट विच इज 10. दिस टीबी आई हैव टेकन इन सेकेंड्स, सेकेंड्स में लिया, तो टीबी की वैल्यू निकालो कितनी हो जाएगी. ये हो जाएगा 18 इंटू 10^4 मल्टीप्लाइड बाय 2, यही हो जाएगा. ठीक है, सो इट इज 36 इंटू 10^4 सेकेंड्स. ठीक है, 3600 से डिवाइड कर दो तो आवर्स में आ जाएगा. ठीक है, डिवाइड बाय 3600, 36 इंटू 10^4 बाय 3600 आवर्स में, तो कितना हो जाएगा बेटे, 100 आवर्स. 100 आवर्स, तो 100 आवर्स हो जाएगा. ठीक है, तो बेटा क्या हो जाएगा इसका आंसर, 100 आवर्स. सो यू लुक लाइक विराट कोहली. I will say the opposite. Virat Kohli looks like me. Chal. Chal. Ordinates of a 1 hour unit hydrograph at 1 hour interval starting from the time t is equals to 0, starting from the time t is equals to 0 are 0, 2, 6, 4, 2, 1 and 0 meter cube per second. Catchment area represented by this unit hydrograph is very beautiful question and a very important question for all of you. Yaar, kahan hai thumbs up? Maja aa gaya to thumbs up kahan hai? Is question mein maza aaya ki nahi? Thumbs up kahan hai? Where is the thumbs up? Everyone. See. If I draw the hydrograph at t is equals to 0, it is 0. At t is equals to 0, it is 0. At t is equals to 1, it is drawn at a 1 hour interval. At t is equals to 1, ye kitna hai beta? 2 hai. It is 2. Ye aapke paas 2 hai. At t is equals to 2, it is 6. 6 ho jayega. Theek hai, ye aapke paas 6 hai. At t is equals to 3, it is 4. ये आपके पास 4 हो जाएगा. ठीक है, ध्यान देना. At t is equals to 3, at t is equals to 4, ये कितना हो जाएगा? वापस से 2 हो गया बेटा, 2 हो गया. At t is equals to 5, ये 1 हो गया. And at t is equals to 6, ये 0 हो गया. ये 2 हो गया. और ये t is equals to 5 पे ये 1 हो गया. और वापस से 0 हो गया. तो अगर मैं इसका हाइड्रोग्राफ बनाऊं तो इसका हाइड्रोग्राफ कुछ ऐसा बन जाए. ये इसका हाइड्रोग्राफ बन गया. ठीक है, तो 0 पे 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड फाइनली 6. ठीक है, ये इसका हाइड्रोग्राफ बन गया. अब मुझे बताना कि द एरिया ऑफ अ हाइड्रोग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा. ये टोटल वॉल्यूम ऑफ द कैचमेंट. तो मैं एरिया निकाल लेता हूं. देखना यहां से, फर्स्ट इज माई रेक्टेंगल. तो देखना, हाफ इंटू सम ऑफ द
ये कितना लिख दू इसको मैं, क्या लिखू, वन दैट इज द हाइट मल्टीप्लाइड बाय बेस, मल्टीप्लाइड बाय बेस विच इज वन आवर, ठीक है, इसको मैं वन आवर लिख देता हूं, वन आवर. सेकेंड एरिया इज दिस एरिया विच इज नथिंग बट हाफ इन टू सम ऑफ द पैरेलल साइड विच इज वन प्लस टू मल्टीप्लाइड बाय वन आवर. थर्ड एरिया हाफ इन टू अगेन टू प्लस थ्री, टू प्लस थ्री मल्टीप्लाइड बाय वन. फोर्थ एरिया हाफ इन टू थ्री प्लस फोर मल्टीप्लाइड बाय वन. इस तरह से जब आप लोग एड करोगे तो यहां से देखना हाफ और वन आवर को कॉमन ले लो. इफ यू टेक द हाफ एंड वन आवर टू बी कॉमन तो फाइनली रिजल्ट आप लोग के पास क्या आ जाएगा देखना. यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट बनता है टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ हाइड्रोग्राफ, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट बन जाएगा देखना. इट इज एक्चुअली हाफ इन टू वन प्लस, वन प्लस टू प्लस टू प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फोर प्लस फाइव प्लस, सॉरी ये क्या हो जाएगा, आई एम सॉरी फॉर दैट. ये वन आएगा पहला वाला, पहला वाला कितना है टू है ना, तो ये टू हो जाएगा. सॉरी सॉरी, वाई कोऑर्डिनेट किसका है इतना, ये वाई कोऑर्डिनेट पहला कितना है, वाई कोऑर्डिनेट ये टू है ना, तो इट इज टू प्लस टू प्लस सेकेंड कोऑर्डिनेट बेटा फोर प्लस फोर, फोर प्लस फोर, ये सेकेंड कोऑर्डिनेट कितना है, सम ऑफ द वाई कोऑर्डिनेट्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम इंटरवल, करेक्ट, सम ऑफ द वाई कोऑर्डिनेट्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम इंटरवल. तो सेकेंड कोऑर्डिनेट कितना है, पहला वाला टू था, पहला वाला टू था, सेकेंड वाला सिक्स था, ये वाला फोर था, ये वाला टू था, ये वाला वन था, तो सेकेंड वाला कितना है सिक्स है, तो सिक्स ऐड कर दो इसमें, इट विल बी इक्वल टू सिक्स प्लस सिक्स, सिक्स प्लस सिक्स प्लस टू टाइम्स ऑफ फोर, फोर प्लस फोर प्लस टू प्लस टू प्लस वन प्लस वन प्लस जीरो मल्टीप्लाइड बाय वन आवर, राइट. तो यही चीज आ जाती है. अब ये जब हाफ अंदर जाएगा तो इट इज नथिंग बट समेशन ऑफ योर वाई कोऑर्डिनेट्स मल्टीप्लाइड बाय योर टाइम इंटरवल. ये आप लोगों के पास ये बन जाएगा समेशन ऑफ द वाई कोऑर्डिनेट. ये कितना लिख दोगे आप, टू इंटू टू, इसको आप टू इंटू सिक्स, तो हाफ से कैंसल आउट हो जाएगा. इट विल नथिंग बट एरिया ऑफ अ हाइड्रोग्राफ, याद रखना इसको, एरिया ऑफ द हाइड्रोग्राफ इज नथिंग बट समेशन ऑफ द वाई कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम इंटरवल. यही चीज आप लोगों को लिखना है. तो देखो y कोऑर्डिनेट का समेशन कर लो, इट इज नथिंग बट 2 प्लस 6, 2 प्लस 6 8 प्लस 4 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 1 15, तो ये आपके पास 15 मल्टीप्लाइड बाय टाइम इंटरवल व्हिच इज 1 आवर, जिसको मैं सेकंड में लिख देता हूं 3600 सेकंड. दिस विल बी योर टोटल एरिया ऑफ द हाइड्रोग्राफ व्हिच इज नथिंग बट द वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द टोटल रेनफॉल एक्सेस, ठीक है. तो देखो यहां से 15 इनटू 3600 is the volume of the rainfall excess. It is actually equals to, ये किसके बराबर होगा, rainfall excess का volume, which is nothing but unit hydrograph का है ना ये, it is 1/100 multiplied by area, ठीक है. This is the depth, this is the area of the catchment. तो area of the catchment आप लोग आसानी से निकाल लोगे, कितना आएगा ये, 15 into 36 into 10 to the power of 4 meter square, ये हो जाएगा आप लोग area. क्या रहा आंसर आपके पास, क्या हो जाएगा आंसर, 36 इंटू 15 करो, इट इज कम्स आउट टू बी 540 इंटू 10 टू द पावर 4 मीटर स्क्वायर. तो इसको आप लोग 5.4 किलोमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, डिवाइड बाय 10 टू द पावर 6, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी डी. तो ये चीज को ध्यान रखना बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, कि दैट द एरिया ऑफ अ हाइड्रोग्राफ, right, it can be written as sum of the y coordinates multiplied by time interval. Very important. This is very important. चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो. Ordinates of a 1 hour unit hydrograph at 1 hour interval starting from t is equals to 0 are this. Ordinate of a 3 hour unit hydrograph for the catchment at 3 hour is. निकालना है आप लोगों को. यार मजा आ गया पिछला क्वेश्चन में, थम्स अप कहाँ है, एवरीवन वेयर इज द थम्स अप, लास्ट क्वेश्चन में मजा आया, थम्स अप कहाँ है, वेयर इज द थम्स अप.
इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ऑर्डिनेट्स ऑफ अ 1 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ एट 1 आवर इंटरवल स्टार्टिंग फ्रॉम दिस इज दिस। तो देखो हर 1 आवर इंटरवल में आप लोगों को ऑर्डिनेट्स ऑफ अ हाइड्रोग्राफ गिवन है, ऑर्डिनेट्स ऑफ अ हाइड्रोग्राफ एट एवरी 1 आवर इंटरवल। ठीक है, तो देखो टी इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये आपको गिवन है। ठीक है, टी इज इक्वल टू 0 पे क्या है बेटा 0, टी इज इक्वल टू 1 पे 2, टी इज इक्वल टू 2 पे 6, 4, 2, 1, 0 ये आप लोगों को गिवन है। ये आपके पास डिस्चार्ज है, ये आप लोग के पास टाइम है। जब हम लोग को 3 आवर हाइड्रोग्राफ चाहिए तो देखो अगर आप लोगों के पास 1 आवर हाइड्रोग्राफ है, 1 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ है, मतलब 1 घंटे में 1 सेंटीमीटर की रेनफॉल हुई है, आप लोगों को 3 आवर हाइड्रोग्राफ चाहिए, मतलब 3 घंटे की रेनफॉल का हाइड्रोग्राफ चाहिए। तो देखो आप लोग क्या करते हो, सपोज ये आपके पास 1 आवर हाइड्रोग्राफ है, दिस इज योर 1 आवर हाइड्रोग्राफ, इसके बाद आप 1 घंटे की बारिश और कर देते हो, 1 घंटे की बारिश और कर दो। अगर 1 घंटे की बारिश और करोगे तो ये 1 घंटे के बाद सेम हाइड्रोग्राफ विल बी रिपीटेड। ठीक है, सेम 1 घंटे के बाद फिर से सेम हाइड्रोग्राफ रिपीट होगा, फिर से आप 1 घंटे की और बारिश कर दो, तो 3 घंटे की टोटल बारिश कर दी, सेम हाइड्रोग्राफ विल बी रिपीटेड आफ्टर 1 आवर, फिर से सेम हाइड्रोग्राफ रिपीट हो जाए और ये कुछ ऐसा हो जाए। नाउ एड दिस 3 वैल्यू, किसी भी पॉइंट पे ये 3 ऑर्डिनेट्स को ऐड कर दो, किसी भी टाइम पे चाहिए। तो किसी भी टाइम पे आप लोग क्या करोगे, इस ऑर्डिनेट को ऐड करो, इस ऑर्डिनेट को ऐड करो और इस ऑर्डिनेट को ऐड कर दो, तीनों ऑर्डिनेट को ऐड कर दो, आफ्टर 1 आवर ऑफ द लैग यू विल गेट द टोटल डिस्चार्ज, टोटल डिस्चार्ज आपको मिल जाएगा। देखो यहां से ठीक है, क्या हो गया राइट हाँ डिवाइड बाय 3 करेंगे, बताऊंगा आगे। तो देखो आफ्टर 1 आवर ऑफ द लैग, 1 घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद आप वापस से यही चीज आप लोगों को फॉलो करनी है। तो 1 घंटे के बाद ये वहां पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आपका क्या हुआ आफ्टर 1 आवर लैग, ये 1 आवर लैग का डिस्चार्ज हो गया। फिर 2 आवर लैग का जो डिस्चार्ज बनेगा सेम यहां से चालू होगा, यहां से 0 चालू होगा, 0 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया। नाउ एड दिस टोटल वैल्यू टू गेट द टोटल डिस्चार्ज। ठीक है, हमें कहां पे चाहिए बेटा 3 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ चाहिए, कितने टाइम पे 3 घंटे पे, 3 घंटे पे टोटल डिस्चार्ज कितना हो गया टी इज इक्वल टू 3 आवर्स पे, इन तीनों को ऐड कर दो राइट, इन तीनों को ऐड कर दो। सो टोटल डिस्चार्ज फॉर 3 सेंटीमीटर ऑफ द रेनफॉल, ये 1 सेंटीमीटर ऑफ द रेनफॉल, 1 सेंटीमीटर ऑफ द रेनफॉल एंड 1 सेंटीमीटर ऑफ द रेनफॉल, दिस इज द टोटल डिस्चार्ज फॉर 3 सेंटीमीटर ऑफ द रेनफॉल, दैट इज 12 m³/s। ये टोटल डिस्चार्ज किसके लिए है, 3 सेंटीमीटर ऑफ द रेनफॉल। आपको क्या चाहिए बेटा, यूनिट हाइड्रोग्राफ चाहिए, यूनिट हाइड्रोग्राफ मतलब 1 सेंटीमीटर ऑफ द रेनफॉल, 1 सेंटीमीटर ऑफ द रेनफॉल। ठीक है, तो क्या करोगे डिवाइड बाय 3, क्योंकि ये 3 सेंटीमीटर ऑफ द रेनफॉल के लिए था, 1 सेंटीमीटर ऑफ द रेनफॉल के लिए डिवाइड बाय 3 कर दो, तो आंसर क्या हो जाएगा, इट इज 4 m³/s, सी विल बी द आंसर, सी विल बी द आंसर। मजा आ गया, समझ में आ गया तो थम्स अप बना देंगे फटाफट एवरीवन। गॉट इट, चलो इसको सॉल्व करो। सभी लोगों ने सेशन को शेयर कर दिया है, हैज एवरीवन शेयर्ड द सेशन, सभी लोगों ने ये सेशन को शेयर कर दिया, शेयर कर देना, मजा आया है तो लाइक कर देना, डोंट फॉरगेट। एक मिनट मैं अपने आप को थोड़ा इधर कर देता हूं, बंद कर दूं क्या, चलो अब सॉल्व करो। कन्वेक्टिव साइक्लोनिक फ्रंटल ओरोग्राफिक, ओरोग्राफिक किससे होता है, माउंटेन बैरियर से होता है, तो डी का आंसर तो 2 हो गया,
डी का आंसर तो टू हो गया। फ्रंटल किसके कारण होता है? फ्रंट, देर इज अ फ्रंट व्हेन द वार्म एंड द कोल्ड एयर मास कोलाइड्स दे फॉर्म एक्चुअली द फ्रंट, राइट। और वहां पे सडन कंडेंसेशन होता है, सडन कंडेंसेशन, राइट। तो वहां पे फाइव का आंसर क्या हो गया? सी। तो सी का आंसर फाइव हो गया। साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन क्या होता है बेटा? साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन, साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन क्या होता है? साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन अकर्स बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंस, ठीक है। जनरली जो इक्वेटर रीजन होती है हमारी अर्थ की, जो हमारा अर्थ होता है उसके इक्वेटर रीजन में, बिकॉज ऑफ द हायर रेनफॉल, हायर सन रेज, डायरेक्ट सन रेज आती है इक्वेटर रीजन में, तो पानी यहां से उड़ जाता है, पानी उड़ जाता है, तो लो प्रेशर रीजन का फॉर्म होता है। तो पोल से एयर्स आती हैं, पोल से एयर्स आती हैं एंड दे टेक अ पैटर्न ऑफ द सर्कुलर, जिसको हम लोग साइक्लोन बोलते हैं। और वही साइक्लोन जब मूव करता है और जब किसी लैंड से टकराता है तो वही साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन क्रिएट करता है। तो इट इज फॉर्मिंग बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंस। तो बी का आंसर क्या हो जाएगा? थ्री हो जाएगा। बी का आंसर क्या हो जाएगा? थ्री हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली द आंसर कम्स आउट टू बी बी, बी हो जाएगा आंसर आप लोग का। कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन इज बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस। तो आंसर ऑटोमेटिकली आपके पास बी हो जाएगा, बी विल बी योर आंसर। तो देखो ये ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन है। द एयर मास कम्स एंड इट इज लिफ्टेड अपवर्ड फॉर्म्स अ क्लाउड नियर द माउंटेन। इसीलिए हिली रीजन में हमेशा बारिश होते रहती है, हिली रीजन में बारिश हमेशा होते रहती है, ठीक है। ये आपका कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं टेम्परेचर डिफरेंस के कारण पानी ऊपर जाता है, ऊपर जाता है तो एडियाबेटिकली कंडेंस होता है, कूल होता है एडियाबेटिकली, और उसकी कूलिंग के कारण क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है और वो क्लाउड्स फिर नीचे पानी के रूप में बरस जाते हैं। दैट इज एक्चुअली द कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, सॉल्व दिस क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे फॉर ऑल ऑफ यू, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। मजा आ गया लास्ट सवाल में, तो थम्स अप बना देंगे एवरीवन। चलिए चलिए चलिए, पकौड़ा वकौड़ा खा रहे हैं आशीष भाई, बहुत बढ़िया। बारिश का मौसम है, प्रेसिपिटेशन की बात हो रही है, तो पकौड़ा खा रहे हैं। द फॉलोइंग रेनफॉल चार्ट इज फ्रॉम विच टाइप ऑफ द रेन गेज। ये क्या है बेटा? ये मास कर्व है। दिस इज एक्चुअली द मास कर्व, एक्यूमुलेटेड रेनफॉल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ आपको रेनफॉल मिल रहा है, दैट मीन्स इट इज मेजर्ड बाय द मेजरिंग टाइप ऑफ द रेन गेज, ठीक है। नॉन रिकॉर्डिंग टाइप ऑफ द रेन गेज का काम नहीं है, रिकॉर्डिंग टाइप ऑफ रेन गेज का काम है, ठीक है। तो ये मास कर्व किसे किससे मिलता है? इससे तो बेटा आपको इंटेंसिटी मिलती है, तो ये तो गलत हो गया, ये तो नहीं होगा। ध्यान रखना वेइंग बकेट टाइप एंड द फ्लूड टाइप ऑफ द रेन गेज गिव्स यू द मास कर्व, हमेशा ध्यान रखना। तो दोनों सही जवाब है, आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, डी विल बी द आंसर, ठीक है। मास कर्व है एक्युमुलेटेड रेनफॉल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये जो तीनों रेन गेजेस आपको यहाँ पे मेंशनड है, दे आर एक्चुअली मेजरिंग टाइप ऑफ द रेन गेज, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, आई होप आप सब लोग को मजा आया होगा सेशन पे, ठीक है। एक बार जो जो लेट ज्वाइन किए सेशन को आप लोग, ठीक है, वापस से चालू कर लेना, रिकॉर्डेड पार्ट में देख लेना, राइट। एंड बायजूस का आप लोग क्लासरूम प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं इफ यू वॉन्ट टू एक्सेल इन द एग्जामिनेशन, अपकमिंग एग्जामिनेशन। आ सकता है फ्लड राउटिंग से क्वेश्चन, फ्लड राउटिंग से क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों के पास। उसका बस फॉर्मूला याद करके चले जाना, फॉर्मूला याद करके चले जाना उसका, फ्लड राउटिंग का, ठीक है। रिमेंबर द फॉर्मूला, आप लोगों का काम बन जाएगा। चलिए थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे। बिल्कुल आ सकता है, बस फॉर्मूला याद कर लेना, और कुछ जरूरत नहीं, बस फॉर्मूला। वो जो फॉर्मूला है ना फ्लड राउटिंग का, वो याद कर लेना, नथिंग इज रिक्वायर्ड। चलिए थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट नाइट, ठीक है, गुड नाइट एवरीवन। हाँ मस्किंगम वाला, मस्किंगम वाला। आई होप आप सब लोग को सेशन पसंद आया होगा, मजा आया होगा। अगर कोई मजा आया है तो फीडबैक जरूर दे देंगे कमेंट बॉक्स में। सेशन अच्छा लगा है तो शेयर करना मत भूलना, कमेंट बॉक्स में फीडबैक देना मत भूलना, मजा आया हो तो, ठीक है। नीचे कमेंट बॉक्स होगा, लाइव चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में, राइट। थैंक यू एवरीवन, बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सबा खैर, बाय।